Subscribe Black Magic Film Studios for 3 new videos every week. Click on the bell icon and never miss a video from Black Magic Film Studios. दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्राइंग बेबी के अर्बन लेजेंड के बारे में। कहा जाता है कि अगर आप अपने घर पे रात के वक्त शांति से सो रहे हैं तो आपको अचानक से एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई देगी, जो आपको आपकी गहरी नींद से जगा देगी। और रोते हुए बच्चे की आवाज किसी खिड़की या फिर दरवाजे के पास से आती होगी। हो सकता है कि रात के वक्त किसी छोटे बच्चे की रोती हुई आवाज से आप डर जाएं, या फिर आप भावुक होके ऐसा सोचने लगे कि ना जाने किसका छोटा बच्चा मेरे दरवाजे पे रोते हुए चला आया है और शायद उसे मेरी मदद की जरूरत हो। और ऐसा ही सोचते हुए अगर आप वो खिड़की या दरवाजा खोलेंगे तो ये शायद आपकी अब तक की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आपको वहां कोई रोता हुआ बच्चा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, पर आपको दिखाई देगा तेज धार वाली तलवारें हाथ में लिए हुए कुछ खूनी लुटेरों का एक गैंग। और इस खूनी गैंग का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों के घर में मौजूद सारी संपत्ति लूट लेना और उनकी हत्या कर देना। और ऐसी कई घटनाएं भारत में पहले भी हो चुकी हैं, जिनमें इन लुटेरों ने छोटे बच्चे की आवाज़ की रिकॉर्डिंग का प्रयोग लोगों को दरवाज़ा खोलने पर मजबूर करने के लिए किया है। या फिर इसी गिरोह की कोई औरत अपने बच्चे के साथ लोगों के दरवाजे पे मदद मांगने पहुंच जाती है और उस औरत की भोली शक्ल और उसके रोते हुए बच्चे की मदद करने के लिए आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो रात आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती है, क्योंकि उसी औरत के साथ हथियारों से लैस कई लुटेरे आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। और इन लुटेरों की ये खासियत है कि सबूत मिटाने के लिए ये घर में मौजूद सभी की हत्या कर देते हैं। पर यह पहली बार नहीं है जब गुनहगारों ने रोते हुए छोटे बच्चे की आवाज़ का प्रयोग लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया था। इन घटनाओं की शुरुआत साल 2003 में अमेरिका में हुई थी, जब रात के वक्त रास्ते से गुजर रहे लोगों को किसी खाली कार में से छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। और जो भी कोई इस बच्चे की मदद करने उस कार के पास जाता था, उस इंसान पे किसी भारी औजार से पीछे से हमला किया जाता था। और होश आने के बाद ये लोग खुद को किसी छोटे कमरे में बंदी बना हुआ पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में एक सीरियल किलर इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जो लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए रोते हुए छोटे बच्चे की आवाज़ की रिकॉर्डिंग का प्रयोग कर रहा था। पर इस सीरियल किलर को अब तक पकड़ा नहीं गया। पर इस घटना के बाद से दुनिया भर से कई ऐसी खबरें आईं जिनमें छोटे बच्चे की आवाज़ की रिकॉर्डिंग का प्रयोग लुटेरों ने लोगों को लूटने के लिए किया था, मुख्यतः साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगहों से ये खबरें आने लगी। और दक्षिण भारत में भी ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं। दोस्तों, इन घटनाओं के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।